वो कहते हैं ना, मंजिल से इम्पोर्टेंट सफ़र होता है, बट मेरे साथ कुछ अलग ही खेल हुआ है। हे कैसे हो ट्रैवलर्स, हम लोगों ने एक बहुत ही भयंकर प्लान बनाया है। आज हम लोग जाने वाले हैं ऋषिकेश। ये हमारे भाई साहब तेलंगाना से फिर आ गए हैं, उठ के रातों रात उठ के आए हैं और कह रहे हैं भाई साहब कुछ इस वीकेंड कुछ तूफानी की जाए। ये बताओ ये रणधीर भाई साहब, तुम हमारी हर बार बैंड बजाने क्यों आ जाते हो? अरे नहीं नहीं बुलावे पे हमें तो आना पड़ता है भाई, जब भी हम टू ट्रेवलर्स बुलाते हैं तो आना पड़ता है। ये ऐसे खुरापाती लौंडे हैं, 2 दिन पहले तेलंगाना से चलते हैं और सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं और कहते हैं भाई चलो चलो। कहाँ चलो, कुछ नहीं, बाइक उठाओ। हमने मैंने अपनी बम्बल भी रात को जो मिला सामान वो पैक करके देखो, पन्नी वन्नी लेके आए हैं हम लोग, पन्नी वन्नी ले के पूरा बैग वैग। और एक तो ट्रेजेडी बताएं आपको, जैसे ही हम दिल्ली से हम निकले रात के 1 बजे, उसके बाद निकलने के बाद जो 3 बजे से हमारे पीछे जो बारिश पड़ी है वो पूछो मत। ऋषिकेश तक ऐसी हालत हमारी ख़राब हुई है, कमर तक पानी, उसमें पूरी बाइक डूब गई है, बताइए। ये बात तो है भाई, जो भी ट्रक निकल रहा था ना वो ऐसा कर रहा था कि सावर दे रहा था एक तरीके से। हमें 10 फीट का सावर देता हुआ जा रहा था ट्रक बस जो हमारे पास से निकल रहा था। जो भी सपोज, और आज हमने निहाया भी नहीं है भाई, ट्रक को छींटे से इतना निहा लिया, इतना निहा लिया है कि हाथ पैर सब सफेद हो गए हैं। देखो मैं गोरा भी लग रहा हूँ। ये तो है, अगर 10 ट्रक मान लो सपोज करोगे अगर ओवरटेक कर रहे हैं तो 10 बार सावर मिला है हमें आज, तो नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। ऐसा तगड़ा निहाय है ना, वो लग रहा है भोले बाबा की कृपा थी, उन्होंने बोला बेटा तुम रात को निकले हो, न्याय दो तो हो ही नहीं, देवभूमि जा रहे हो, रास्ते में तुम्हें शुद्ध करना है। उन्होंने ऐसा शुद्ध किया है, अभी तक शुद्ध ही किया है। तो अभी हम अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं अभी, शायद से 11 बज रहे हैं सुबह के, 11:50 हो रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने रात को जो खाया था खाया है, अभी बहुत तेज भूख लग रही है। अभी हम जाते हैं ऋषिकेश का लोकल फूड को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे एक राजस्थानी ढाबा है जो कि बहुत ही फेमस है, जब हम जितनी बार भी ऋषिकेश आते हैं वहीं पे खाना खाते हैं। बहुत ही अच्छा ढाबा है, मतलब हर चीज़ अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। चलो आज भी टेस्ट करते हैं कैसा रहता है, एक्सपीरियंस आपको शेयर करते हैं। तो मिलता हूँ आपको रास्ते में। सो गाइस, अभी का ये प्लान बना है, हम नीलकंठ महादेव को दर्शन करने जा रहे हैं। ये देखो आज बारिश के कारण ये पूरे बादल, चारों तरफ बादल ही बादल हो रखे हैं। अब मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, राइड करने का बहुत ही मज़ा आ रहा है, पर हमारे कपड़े पूरे गीले हैं जिससे हमें ठंड भी लग रही है, लिटरली शिवरिंग कर रहे हैं हम लोग, पूरी हालत पंचर हो रखी है। ये देखिए वादियाँ, अब यहाँ से पूरी वादियाँ ही वादियाँ शुरू हो गई हैं, पूरी वादियों का मजा लेते हुए हम लोग जा रहे हैं। शिवपुरी रह गए हैं यहाँ से 3 किलोमीटर, जहाँ से रिवर राफ्टिंग होंगी हो रही है। प्लान तो हमारा ये भी था कि रिवर राफ्टिंग करेंगे, बट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली रिवर राफ्टिंग बंद है और यहाँ पर गंगा जी का फ्लो भी इस टाइम बहुत तेज है, सो रिवर राफ्टिंग अभी पॉसिबल है नहीं। तो हमने प्लान बनाया है टाइम को यूटिलाइज करते हुए नीलकंठ महादेव के दर्शन करके आया जाए, तो वही जा रहे हैं हम लोग। पूरी वैली अच्छी है, यहां से पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, वेदर और क्या ही कहना, मजा आ गया। बस बारिश ना हो तो मजे ही मजे हैं, बारिश हो जाएगी तो सजा ही हो जाएगा मजा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आई थिंक डैम बन रहा है, डैम नहीं ग्राइंडिंग हो रही है, बट ये ग्राइंडिंग की वजह से बहुत सारी लैंडस्लाइड भी होती है, डायनामाइट लगा के पूरे पहाड़ उड़ा देते हैं ये लोग, फिर उसके बाद पहाड़ बिखर जाता है। बट अब तो अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है,
पहाड़ को पूरा बांध के रखती है। यार हमारे होटल वाले ने बोला था 1.5 किलोमीटर आगे कट है, बट ये 1.5 किलोमीटर की जगह हम तो कितने किलोमीटर चल गए हैं, हमें कट मिला ही नहीं नीलकंठ का अभी तक। आई थिंक किसी से पूछना पड़ेगा, चलो आगे कोई मिलता है तो पूछते हैं नीलकंठ का रास्ता कैसे है। ये देखो भाई लोग हेलमेट नहीं पहने, मेरा आपसे ट्रिपलिंग कभी ना करें पहाड़ों पे, और पूरे मतलब हेलमेट तो एटलीस्ट जरूर पहने, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पत्थर उत्थर कुछ भी आ सकते हैं, सर पे गिर जाएंगे तो आपको चोट लग सकती है, इसलिए हेलमेट तो जरूर पहनना चाहिए राइडिंग के टाइम पे। आई थिंक लैंडस्लाइड हुई है इधर, चैलेंजिंग रोड बन गई है। बट मॉर्निंग जैसे चैलेंजिंग नहीं है, घुटने घुटने तक पानी, पूरी बाइक हमारी डूब गई। यही रास्ता केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशी मठ, श्रीनगर, बद्रीनाथ जाता है। आई थिंक 4 लेन का काम हो रहा था, ऑल वेदर रोड बन रही थी, मोस्टली कंप्लीट हो गई है, बट ये लैंडस्लाइड की वजह से कहीं कहीं टूट जाती है, वो तो नेचुरल है। ना नीलकंठ का रास्ता मुड़ता है, या ब्रिज है, ब्रिज से आपको लेफ्ट लेना है। आई थिंक चेक पोस्ट भी कुछ पर्ची वर्ची कटती है। रुकियो क्या है पूछता हूँ उसे, क्या चीज की पर्ची है? ये बोले पता नहीं, एंट्री फीस है। एंट्री शुल्क है सर, जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल व्यवस्था शुल्क। अच्छा, प्राइवेट व्हीकल के भी है? हर किसी का। कितना चार्जेस है? 20। ओके सो गाइस, हमने 20 रुपीज पर बाइक पे किए हैं यहाँ पे एंट्री फीस, वहाँ पे नीलकंठ जाने के लिए। ये भाई साहब आपको मिलेंगे यहाँ पे, आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी। चलो फिर चलते हैं, पर्ची कटवा ली हमने। ये हर हर महादेव। सो गाइस देखिए गंगा जी का कितना हैवी फ्लो आ रहा है, पूरा मेट वाला पानी है, लग रहा ऊपर बादल वादल फटा है, देख सकते हो बारिश भी पड़ने लगी है, लग रहा हमें रेनकोट पहनना पड़ेगा दोबारा से। तो गाइस हम नीलकंठ पहुंच गए हैं, ये नीलकंठ जाने का रास्ता है यहाँ से, हम जा देखो भाई लोग हमारे जाते हुए पूरा, अच्छा नीलकंठ का रास्ता पूरा अंदर। गलत गलत बता रहे हो जी लोग। देखिए गुफा जैसे रास्ता है। गाइस यहाँ पे नहाने का व्यवस्था है बहुत अच्छी, सब लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत ही प्रेशर पे पानी आ रहा है। गाइस नीलकंठ के हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, नीलकंठ महाराज के शिवलिंग भी बहुत छोटा शिवलिंग था और बहुत ही क्यूट शिवलिंग था, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हम लोगों के।
रणवीर भाई ने भी देखो प्रसाद लिया, इन्होंने बहुत ही हैवी प्रसाद लिया है, पर हमें गंगा जल कहीं नहीं मिला, धोखा हो गया हमारे साथ। चलो कोई नहीं, हमने मैनेज कर लिया। तब भी ये पूरा पानी ही पानी बह रहा है, जगह जगह से नाले खुल गए हैं बारिश की वजह से, पूरी ऑफ रोडिंग, प्रॉपर ऑफ रोडिंग मिलेगी इस टाइम, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। पूरे स्पीति वाली फील आ रही है, वाटर क्रॉसिंग में वाटर क्रॉसिंग, पर इतनी हैवी वाटर क्रॉसिंग नहीं है पूरे। अरे यहाँ पे नाला मिलता है, एक छोटी सी नाला, तभी हम गंगा आरती देखने आए थे त्रिवेणी घाट पे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा था, हमने गंगा आरती देखी पूरी, लाइफ में पहली बार मैंने गंगा आरती देखी है, बहुत ही मज़ेदार नज़ारा था गंगा आरती का, बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। तो अब हम होटल जा रहे हैं, खाना खाएंगे उसके बाद।